जीके किड्स। वनराज का बदला। एक नगर में चंद्र नामक राजा का शासन था। उसके राजमहल के बगीचे में बंदरों का एक समूह रहता था। बगीचे के फलों के अतिरिक्त राजा के सेवकों द्वारा प्रतिदिन प्रदान किए जा रहे भोजन का सेवन कर वे बहुत हृष्ट पुष्ट हो गए थे। बंदरों का सरदार वनराज एक बूढ़ा बंदर था जो बहुत बुद्धिमान था। समय समय पर वह अपना परामर्श बंदरों के समूह को दिया करता था। राजमहल में दो भेड़े भी रहती थी। राजा के पुत्र उनके साथ खेला करते थे। दो भेड़ों में से एक भेड़ बहुत चटोरी थी। जब मन करता वह रसोई घर में घुस जाती और वहां खाने की जो भी चीजें पाती खाती। रसोईया भेड़ की इस हरकत पर बहुत क्रोधित होता और जो हाथ में आता वह वस्तु फेंक कर उसे मारता। एक दिन वनराज ने रसोईये को भेड़ को एक बर्तन फेंक कर मारते हुए देखा। वह सोचने लगा, कहीं रसोईये और इस भेड़ की यह तनातनी बंदरों के विनाश का कारण न बन जाए। ये चटोरी भेड़ तो खाने के लोभ में यदा कदा रसोई घर में जाती रहेगी। यदि किसी दिन क्रोधवश रसोईये ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उस पर फेंक दी तो अनर्थ हो जाएगा। भेड़ का ऊन से ढका शरीर आग पकड़ लेगा। भागते हुए भेड़ अस्तबल पहुंच गई तो सूखी घास से भरा अस्तबल धधक उठेगा, घोड़े जल जाएंगे और फिर वही बंदरों का काल बनेंगे। यह विचार मस्तिष्क में आते ही वनराज ने अपने समूह की सभा बुलाई और अपना संदेह जाहिर किया। उसने परामर्श दिया कि इससे पूर्व की रसोईये और भेड़ों के बीच की लड़ाई हमारे लिए प्राणघातक सिद्ध हो, हमें राजमहल छोड़ देना चाहिए, अन्यतः हमारा विनाश निश्चित है। लेकिन बंदरों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि उनका सरदार अब बूढ़ा हो चुका है और व्यर्थ का भ्रम पाल रहा है। वे राजमहल के भोजन के आदि हो चुके थे, इसलिए राजमहल छोड़ने को तैयार नहीं हुए। लेकिन वनराज ने तत्काल राजमहल छोड़ दिया। इधर एक दिन फिर चटोरी भेड़ रसोई घर में घुस गई और वही हुआ जिसका बंदरों के सरदार को भय था। रसोईये को और कुछ नहीं मिला तो उसने जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर भेड़ पर फेंक दिया। भेड़ का शरीर जो ऊन से ढका हुआ था धधकने लगा। वह इधर उधर भागने लगी और अस्तबल में घुस गई। आग की लपट अस्तबल में रखी सूखी घास तक पहुंची और पूरा अस्तबल धू धू कर जल उठा। कई घोड़े जलकर मर गए, कई घायल हो गए। राजा को यह समाचार मिला तो उसने वैद्य को बुलाया और उसे घोड़ों का उपचार करने का आदेश दिया। वैद्य ने घोड़ों के घाव का परीक्षण किया और बोला, इनके घाव को शीघ्र ठीक करने का एक ही उपाय है, इन पर बंदरों की चर्बी लगानी पड़ेगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी बंदर दिखे तो मारकर उसकी चर्बी घोड़ों के उपचार के लिए लाई जाए। राजमहल के सारे बंदर मार दिए गए। जब वनराज तक यह बात पहुंची तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। लेकिन वह अकेला था, वह उपाय सोचने लगा जिससे वह राजा के कुल का भी वैसे ही सर्वनाश कर दे जैसे उसने उसके कुल का किया है। एक दिन वह पानी पीने एक झील के पास गया। उस झील में सुंदर कमल खिले हुए थे। वनराज ने देखा कि मनुष्यों और जानवरों के पद चिन्ह झील की ओर जाते हुए तो हैं, लेकिन वापस आते हुए नहीं हैं। वह समझ गया कि झील में अवश्य कोई राक्षस रहता है जो झील में गए मनुष्यों और जानवरों को खा जाता है। उसने चतुराई दिखाते हुए कमल के तने से पानी पी लिया। जब झील में रहने वाले राक्षस ने यह देखा तो झील से बाहर आ गया। उसने कई आभूषण पहने हुए थे। वह वनराज से बोला, जो भी झील में आता है मैं उसे खा जाता हूँ, लेकिन तुम तो बहुत चतुर निकले, मैं तुम्हारी चतुराई देखकर प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? वनराज बोला, एक राजा ने मेरे संपूर्ण वंश का विनाश कर दिया है, मैं उससे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें, मुझे अपना कंठ हार दे दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके आहार के लिए राजा और उसके अनुचरों को इस झील में लाऊंगा। राक्षस ने वनराज को कंठहार दे दिया।
वह हार पहनकर बंदरों के सरदार राजा के नगर पहुंचा। वो वहां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगा। जिसकी भी दृष्टि उस पर पड़ती वह कंठहार देखकर दंग रह जाता। राजा के सैनिकों की दृष्टि भी उस पर पड़ी। वे उसे पकड़कर राजा के समक्ष ले गए। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें ये कीमती कंठहार कहाँ से प्राप्त हुआ? वनराज ने उत्तर दिया, महाराज यह हार मुझे समृद्धि के देवता द्वारा प्रदान किया गया है। वह जंगल के बीचों बीच स्थित एक झील में निवास करते हैं। जब सूर्य आधा उदय हुआ होता है उस समय जो व्यक्ति उस झील में डुबकी लगा ले तो उसे समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और कंठार प्राप्त होता है। राजा उसकी बातों में आ गया। वह अपनी पत्नी और पूरे परिवार सहित उस झील में डुबकी लगाने को तैयार हो गया। वनराज ने कहा, कल सुबह की मंगल बेला में पधारिए। लोभ में अंधा हो चुका राजा अगली सुबह अपनी पत्नी पुत्र परिवारजन मंत्रियों और सेवकों सहित झील पहुंचा। वनराज भी उनके साथ था। वह बोला, महाराज सबको अलग अलग स्थानों में झील में उतरना होगा। सबके जाने के बाद आप अंत में झील में उतरिए। राजा की पत्नी पुत्र परिवारजन मंत्री सेवक अलग अलग स्थानों से झील में उतर गए और राक्षस द्वारा खा लिए गए। बहुत देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो राजा ने चिंतित होकर पूछा, हे वनराज मेरी पत्नी पुत्र परिवारजन मंत्री और सेवक बाहर क्यों नहीं आ रहे? तब वनराज एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और राजा से बोला, अरे दुष्ट तुम्हारा समस्त परिवार मंत्री और सेवक राक्षस द्वारा खा लिए गए हैं। तुमने मेरे परिवार को मौत के घाट उतारा था, आज मैंने उसका प्रतिशोध ले लिया है। शिक्षा, बुरा करोगे तो बुरा फल पाओगे।